जय जिनेन्द्र। जैनम जूम चैनल को बिना लिंक के, बिना पासवर्ड आईडी के कैसे खोले, आइए हम देखते हैं। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से डीजे महासभा नाम से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो आपके सामने है, डीजे महासभा नाम से इस तरह का ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद, इस ऐप को खोलने के बाद, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह पूरी करने के पश्चात आपको इस तरह का स्क्रीन आपके सामने होगा। इस स्क्रीन में नीचे जैनम नाम से एक बटन आपको दिख रहा है, ये बटन है जैनम। इस बटन को आप क्लिक करोगे तो जिस तरह जैनम जूम चैनल का जो पूरा पेज है वो आपके सामने होगा। इसमें जैनम वन नाम से ये एक बटन है, जैनम टू नाम से एक बटन है और जैनम थ्री नाम से बटन है। जैनम के तीन चैनल चलते हैं, जैनम वन, जैनम टू, जैनम थ्री। जो भी आपको देखना है उस चैनल पे आप क्लिक करोगे तो वो चैनल डायरेक्ट खुलेगा। आपको जूम में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई लिंक की ज़रूरत नहीं, कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, कोई आईडी की ज़रूरत नहीं। आइए हम देखते हैं जैनम वन दबा के क्या होता है। देखिए जैनम वन में हम जा रहे हैं, यहाँ पर आपका नाम पूछेगा, आपने आपका नाम डाल दिया, ये आपका नाम चालू हो गया। इस तरह आपके सामने जैनम वन खुल चुका है और जैनम वन का जो प्रोग्राम अभी जैनम वन पे चल रहा है वो प्रोग्राम अभी आपके सामने चल रहा है। तो इस तरह ये जैनम वन है। जैनम वन से मैं से बाहर जा, इसके बाद हम चलते हैं जैनम टू में। ये जैनम टू आपके सामने खुल चुका है और जैनम टू में फिर उसने नाम पूछा है, जो भी आपका नाम है आप नाम डालिए। इस माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत चला गया था। जैनम टू दबाने के बाद आपको नाम पूछेगा, नाम आप क्लिक कर दोगे आपके सामने जैनम टू खुल जाएगा। इस तरह जैनम टू आपके सामने खुल चुका है और जैनम टू में जो वो अभी आपके सामने है। तो इस तरह ये जैनम टू का कार्यक्रम है। इसी तरह मैं इस जैनम टू से भी कर रहा हूँ। इसी तरह जैनम थ्री हम दबा रहे हैं। जैनम थ्री में भी आप दबाओगे, अभी वहाँ कोई मीटिंग नहीं चल रही है इसलिए जैनम थ्री में जाकर आप फिर से बाहर आ जाओगे, क्योंकि वहाँ मीटिंग नहीं चल रही है। इसी तरह आपको कोई लिंक, आईडी, पासवर्ड अपने मोबाइल में सेव करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैनम वन, जैनम टू, जैनम थ्री देख सकते हो। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी डीजे महासभा मोबाइल एप्लीकेशन है जो इस तरह का ये एप्लीकेशन है, भारत वर्ष दिगंबर जैन महासभा के द्वारा ये चलाया जाता है। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें ताकि आपको आसानी से जैनम जूम के सारे कार्यक्रम कभी भी देखने में मिल सकते हैं। आप कभी भी कोई भी कार्यक्रम देखते हो, जैनम वन पे देख रहे हो, अगर आपका उस कार्यक्रम ख़त्म होता है तो आप जैनम टू पे जाके देख सकते हो क्या चल रहा है। यहाँ निरंतर दिन भर अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, डीजे महासभा मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल ज़रूर डाउनलोड करें।